हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक आश्रय। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह हम आज भी देखेंगे कुछ मज़ेदार टेक न्यूज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली खबर यह आती है कि सैमसंग टीवी प्लस सर्विस लॉन्च किया है सैमसंग ने, जो कि फ्री लाइव टीवी सपोर्ट करेगा स्मार्ट टीवीज़ में और स्मार्टफोन में। उसके हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वीडियो को पॉज कर दिए और हाइलाइट पढ़ लिए। तो अगली न्यूज़ ये आती है कि गूगल मैप ने नया फीचर लाया है कि जो कि इको फ्रेंडली रोड्स आपके लिए ढूंढ निकालेगा। ये फीचर्स काफ़ी यूजफुल होगा ट्रैवल्स के लिए, लेकिन ये मालूम नहीं कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। US में तो आ गया है, लेकिन इंडिया में आना बाकी है। तो अगली न्यूज़ ये आती है कि सैमसंग गैलेक्सी ने A51 और A21s में एंड्रॉयड 11 का रोलिंग आउट शुरू कर दिया है। उसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। और अगली न्यूज़ ये आती है कि ASUS ZenBook 13 ASUS ने लॉन्च किया है, और उसके साथ Vivo Book भी मॉडल लॉन्च किया है इंडिया में। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ASUS, जो कि अच्छे प्रोसेसर ला रहा है, और उसके हाइलाइट्स आपके स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ ये आती है कि स्कूल कैंडी ने नए TWS लॉन्च किए हैं इंडिया में। तो उसकी प्राइस आपकी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अगर ये टेक न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार टेक न्यूज़ हम लाते रहेंगे।